नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम संगठन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब हेडक्वार्टर जो संगठन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्थापना वर्ष कब हुए, मुख्यालय कहाँ, उनकी सदस्यों की संख्या जहाँ पॉसिबल होगा और मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसा हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वार भी हो जाता है, तो जो वर्ल्ड लीडर होते हैं सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर को होती है। तो 24 अक्टूबर को जो यूएन डे भी मनाते हैं अपन, 1945 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका, 193 इसके सदस्य की संख्या आएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका, 15 सदस्यों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 द हेग में इसका मुख्यालय, 15 के सदस्यों की संख्या होती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ बोलते हैं इसको, 1940 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में रहती है, 190 सदस्यों की संख्या होती है। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है यूएनडीपी, इसका जो स्थापना 1965 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 170 सदस्यों की संख्या होती है। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक 1945 में बनता है वाशिंगटन डीसी, यानी जिसे बैंक से रिलेटेड है ना, वो सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में होता है। विश्व बैंक 1945 में स्थापना होती है और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, 189 सदस्यों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956 में स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, 184 सदस्यों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय होता है, 170 सदस्यों की संख्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय, 190 सदस्यों की संख्या होती है इसकी। खाद्य एवं कृषि, ये मतलब खाद्य से संबंधित है, उनका हेडक्वार्टर रोम होगा, याद रखना है इसको, खाद्य वगैरह से। देखो खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ, रोम में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, 1945 से स्थापना होती है, 184 इसके सदस्य हैं। और जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है 1861 में स्थापना होती है, रोम हेडक्वार्टर इसका, 88+ इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन और नाटो, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में होगा। 93 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है, 27 कंट्री हैं इसमें सदस्य देश हैं इसके। और जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना होती है, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर का, 30 इसके सदस्य हैं। संगठन का नाम दूसरा एक देख लो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी एक ट्रिक रहती, ट्रिक बोला जाता है इसको, बट अपनी याद दो चार पढ़ ले तो अपने आप याद हो जाता है। WHO चालू होता है, ओ का बंद होता है, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में जिनेवा में हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय, और जो सदस्यों की संख्या 194 है। विश्व व्यापार संगठन होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनता है एक्चुअली में, लेकिन गेट के नाम से बनता है, गेट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन TT, बट 95 में WTO बन जाता है, और जिनेवा में हेडक्वार्टर होता है, 164 इसके सदस्यों की संख्या होती है। रेड क्रॉस 1863 में स्थापना होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो 1919 में स्थापना होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर, 185 इसके सदस्यों की संख्या होती है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 में स्थापना होती है इसकी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 186 सदस्यों की संख्या। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 स्थापना वर्ष होती है इसकी, जिनेवा में हेडक्वार्टर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन होता है ITU, 1865 में स्थापना होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर, 193 सदस्यों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 1947 में स्थापना होती है, जिनेवा में हेडक्वार्टर होता है इसका। अब अगला आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद होता है 2006 में, UNHRC 47 सदस्यों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी उच्चायोग है 93 में इसकी स्थापना होती है, 1993 में जिनेवा में हेडक्वार्टर, 135 इसके सदस्यों की संख्या। पेट्रोलियम उत्पादक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री होते हैं ना, उनकी 1960 में गल्फ कंट्री वगैरह वेनेजुएला वगैरह सब हो जाते हैं, तो 1960 में स्थापना होती है, वेना हेडक्वार्टर हो गया इसका, और 13 के सदस्यों की संख्या हो जाती है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रबंध, जो कोई परमाणु हथियार बना रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जो CTBT की संगठन है इसकी 96 में स्थापना होती है, वियना हेडक्वार्टर इसका, 44 सदस्यों की संख्या इसकी, भारत ने साइन नहीं किया इस पर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1996 में स्थापना होती है, वियना हेडक्वार्टर इसका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में वियना में हेडक्वार्टर, परमाणु से संबंधित इनका हेडक्वार्टर कहाँ, वियना में हो जाता है। राष्ट्रमंडल अभी अपने देखा था, राष्ट्रमंडल 1926 में इसकी स्थापना होती है, लंदन में हेडक्वार्टर, 53 सदस्यों की संख्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948 में होता है, लंदन में हेडक्वार्टर, 174 सदस्यों की संख्या होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल
1961 में स्थापना लंदन में हेडक्वार्टर और 150 प्लस सदस्यों की संख्या। यूनेस्को 1940 में स्थापना होती है पेरिस में हेडक्वार्टर 183 सदस्य होंगे। ऐसे जो स्थल वगैरह होते हैं उनको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, उनको सुरक्षा वगैरह प्रदान कर दी जाती है, उनको हेल्प वगैरह मिल जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश के तीन स्थल रहेंगे अपना सांची हो गया, खजुराहो हो गया और भीमबेटका वगैरह हो जाते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 में स्थापना पेरिस में हेडक्वार्टर का 37 सदस्यों की संख्या। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको 1923 में स्थापना होती है। लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर होता है 192 उसके सदस्यों की संख्या होती है। जो ईडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1964 में स्थापना होती है मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जहाँ पर अपना इसका हेडक्वार्टर है 67 सदस्यों की संख्या। अफ्रीकी यूनियन 2002 में बनते हैं। अदिस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है 55 इसके सदस्यों की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में 5 जून 1972 को स्थापना होती है। 5 जून को पर्यावरण कार्यक्रम मनाते हैं। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। कूटनीतिक ऐसे 1947 के बाद में जो विश्व दो ध्रुव बढ़ गया था, एक अमेरिका की तरफ एक रूस की तरफ, बट भारत जैसे कंट्री ने सोचा कि नहीं, हमको तो कूटनीतिक ना किसी गुट की तरफ नहीं जाना है, तो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन मना लिया था। 1961 में स्थापना जकार्ता इंडोनेशिया हेडक्वार्टर 120 सदस्यों की संख्या। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ होते हैं जो आसियान 1967 में स्थापना होती है। जकार्ता इंडोनेशिया हेडक्वार्टर 10 सदस्यों की संख्या। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापना होती है। सिंगापुर में हेडक्वार्टर 21 सदस्यों की संख्या हो जाती है। G7 G20 ये मतलब कुछ देश होते हैं उनका ग्रुप रहता है। G8 था पहले इसका नाम, बस रशिया को निकाल दिया तो इसका नाम G7 हो गया। जो क्रीमिया जो युद्ध वगैरह होता है क्रीमिया को हड़पा लिया इसके बाद में। 1975 में स्थापना होती है 7 सदस्यों की संख्या की। G20 1999 में स्थापना होती है 20 इसके सदस्यों की। इंडिया भी इसका सदस्य है। ब्रिक्स इसका प्रमुख होता है भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, इन साउथ अफ्रीका। 2006 में बनता है और पहले स्टार्टिंग में ब्रिक था, बाद में 2008-09 के समथिंग ये कौन ब्रिक्स हो जाता है। 5 सदस्य देश हो जाते हैं जिसमें नाम में दिख रहा है इसके नाम में जो पहला लेटर है इसका और एक कंट्री को बताता है। न्यू डेवलपमेंट NDB 2014 में बनता है। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 5 सदस्यों की संख्या हो जाती है इसकी। IBSA 2003 में स्थापना होती है। 3 सदस्यों की संख्या होती है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो सार्क बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ होता है 1985 में। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर हो गया। 8 सदस्यों की संख्या होती है। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में बनता है। बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 8 सदस्यों की संख्या। बिमस्टेक 1997 में इसकी स्थापना होती है। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय। 7 सदस्यों की जो बांग्लादेश की खाड़ी उसके आसपास के जो कंट्री है उनको बिमस्टेक में शामिल किया गया। पाकिस्तान का सदस्य नहीं इसका, पाकिस्तान सार्क का आएगा और इसमें SCO का भी आएगा, चाइना भी SCO में। तो क्वाड में 4 कंट्री आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये चीन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई 2017 में। इसमें 4 सदस्यों की संख्या हो जाती है। संगठन सारे खत्म हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।